अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका ज़ारे के जायका किचन में। और आज मैं बनाऊंगी, देखिए ये मुनगा फली आलू और बैंगन की मसालेदार सब्जी, वो भी बिहारी स्टाइल से। तो सबसे पहले मैं देखिए आपको मसाले बताती हूँ। ये मैं लहसुन ली हूँ, प्याज ली हूँ, सरसों है आपका एक बड़ा चम्मच, ज़ीरा एक छोटा चम्मच, और ये काली मिर्च है लगभग 20 है। तो इन सभी मसालों को मुझे पीसना है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर और थोड़ा मिर्चा का पाउडर, नमक और टमाटर लगेगा। तो इन सभी मसालों को पहले अच्छी तरह से चलिए पीस लेती हूँ। तो मुनगा फली और आलू बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालूंगी 2 बड़े चम्मच। और तेल को होने देती हूँ गरम। तो तेल देखिए गरम हो गया है, अब इसी में मैं डालूँगी 5 फोड़न। अब फोड़न भी चटक गया है, अब इसी में मैं डाल दूँगी ये मुनगा फली आलू। और इन सभी को अच्छी तरह से तेज आंच में ही 5 मिनट 10 मिनट फ्राई कर लूँगी। तो 5 से 10 मिनट हो गया है फ्राई करते हुए मुनगा फली बैंगन आलू को। अब इसको सिम कर दूंगी चूल्हे को। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी जो मैं पेस्ट करी थी मसालों की, वो मैं ऐड कर देती हूँ। और हल्दी डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच। इसी में मिर्ची पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। आप चम्मच की सहायता से डालिए, मुझे अंदाज़ा है इसीलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ। धनिया का पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो देखिए मसाले कितनी अच्छी तरह सब्जी में मिल गए हैं। अभी इसी में मैं ऐड कर दूँगी टमाटर और ढक्कन ढक के धीमी आँच में सब्जी को अच्छी तरह से भूंज लूँगी। देखिए सब्जी को अच्छी तरह से भूंज ली हूँ टमाटर के साथ भी। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी नमक, क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड करिएगा। तो देखिए हमारे मसाले और सब्जी कितनी अच्छी तरह से भुंजा गए हैं, तेल भी सेपरेट हो गया। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी पानी ताकि आलू और मुनगा फली सॉफ्ट हो जाए। धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी और धीमी आंच में इसको 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने दूंगी ताकि पूरी सब्जियां हमारी पक के रेडी हो जाए। तो चलिए फिर बनने का बाद मैं दिखाती हूँ आपको। इल्ला देखिए हमारी बनाई हुई सालन बन के रेडी हो चुकी है, तेल भी सेपरेट हो गया है। और आपको मेरी बनाई ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाजे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।